भूत की मची है लूट, लूट सके तो तू भी लूट, तो बोल रहा है झूठ। मेरे बिल्लू निवास में भूत हो ही नहीं सकता। हाँ मिलोटे यार, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम्हारे बिल्लू निवास में भूत एकदम नहीं होता। ना बिल्लू निवास का खुद का साक्षात पिशाच जब बाहर घूम रहा हो तो वहाँ पर भूत कैसे होगा पुष्पा जी? माँ इसको कत्था मारू, कत्था मारू। अरे मुझे बिल्लू निवास में लेके चलो, वो भूत मुझे देखकर भाग जाएगा अपनी लंगोट छोड़ के। अरे उस भूत की ऐसे गर्दन पकड़ूंगा ककड़ी की तरह, कड़क मोड़ दूंगा। कड़क से तो चीता इसके खुशी के लिए डरा मैं। तू मुझे अकेले भूत के साथ छोड़कर आ गया, कुछ हो जाता तो? भूत को मुझे नहीं संत जी, पर आपको कैसे कुछ होता? आप तो भूत में मानती होती नहीं ना? नहीं चीते, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है, भूत तो होता है ना, मैं नहीं मानती ये है ना। मेरा मतलब है कि बिल्लू जी बताएंगे भूत होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि बिल्लू जी का बिल्लू निवास वो था ना वहाँ पे शमशान में कुछ दिन तक, बिल्लू जी आप बताएंगे। और एक सेकंड चीते, तू बदल गया तो पहले जैसा नहीं रहा। संतु जी, संतु जी, संतु आराम, कितनी कितनी क्यूट है यार मेरा। संतु जी, संतु जी, माँ इन दोनों का हो गए, मुझे ना वीक मिली है ना लड़की मिली है, माँ मुझे लड़की। ए बाप रे, हाँ हाँ हाँ, पान ले लो पान। जैन मैडम सर, पुष्पा जी ये एनीवेज हमारी बात ध्यान सुनिए, आज रात को 12 बजे दुश्मन पार्टी के चले जाने के बाद सबको यहाँ थाने में मिलने का प्लान है, ओके? क्यों? त्रिशा को भगाने का प्लान है क्या? नहीं, नंदू के भूत को हमेशा के लिए भगा देने का प्लान है। हाँ? वो कैसे? सुनिए, समझा, समझ में आ गया? नहीं, मगर आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? पुष्पा जी, प्लान कोई काम नहीं करता, वक्त काम करता है। अगर वक्त ने सही समय पर अपना काम कर दिया तो हमारा प्लान भी काम करेगा। और प्लीज इस प्लान का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप दुआ कीजिए, वरना त्रिशा का पति उसे पागल साबित कर देगा और हम सच्चाई तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। रात को 12 बजे सबको थाने में मिलना है, बता दीजिएगा। जी मैडम, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बिल्ले, आज रात को दूसरी टीम थाने से निकल जाने के बाद हम सबको रात को जाना है, पूरी टीम को, तुमको भी। मैं? हाँ, क्यों तुम टीम में नहीं हो? नहीं। अरे बिल्कुल हो, अमर सर ने तुम्हें सिर्फ थाने से निकाला है, हमारे दिलों से नहीं। हाँ चलो चलो चलो, पान ले लो पान, कलकत्ता बनारस। 12 बजे सबके जाने के बाद आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पकाने के चक्कर में है ये लोग, अमर सर को बताना पड़ेगा। मैडम मुझे बचा दीजिए, नंदू ने कहा है कि वो वापस आएगा और वो जरूर वापस आएगा, वो जब तक मेरी जान नहीं ले लेगा ना तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, अब कुछ नहीं होगा, अब नंदू तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा क्योंकि हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है। आइए प्लीज। अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लगा के भूत को उड़ाए, हम हैं बाबा बाबा रेची, हमने बड़े बड़े भूतों को भगाया है, ये कौन सा भूत है? चिल्लर भूत है, हम बताते हैं अपने अंतर्यामी से बताते हैं, वो भूत है नंदू। नंदू सबका बंदू। अरे नंदू के भूतों को तो हम अपनी बोतल में कैद कर लेंगे, ये नशीली भूतों के लिए है। नंदू के भूत के लिए हमारे पास यूनिक बोतल है, ये देखो, इस बोतल में नंदू को बंद करके स्वाहा करेंगे, फिर नंदू की कहानी खत्म हमेशा के लिए। और फिर बोलो बाबा बाबा रेड शिप की जय। जय 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 बाबा, मुझे नंदू से बचा लो बाबा, मुझे नंदू से बचा लो। नंदू का भूत, नंदू 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 का भूत, किधर है नंदू का भूत? नंदू के भूत को पुकारो, ललकारो। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लग रहा है। देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो कोई और बुला लेगा उसे, हमारी संतोष शर्मा है ना, वो बुला लेगी। पर नंदू संतोष जी के बुलाने से क्यों आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पे। मैं कुछ समझी नहीं। देखो फिर भी इसके पीछे भूत पड़ा है माँ। तुम चलो आओ हमारे साथ पुष्पा जी। बाबा, जी बाबा, चलो आओ, आजा आजा। नंदू, नंदू का भूत किधर है? Thank you.
चीते दूल्हे के गेटअप में अच्छा लग रहा है। थैंक यू संतु, थैंक यू वेरी मच। लेकिन नया थोड़ी है, हम तो कितना बार इससे पहले दूल्हा बन चुके हैं ना, मतलब केस को सॉल्व करने के लिए इसे दूल्हा का कपड़ा पहन चुके हैं। हाँ, लेकिन पहले उस नजर से नहीं देखा था ना जिस नजर से अभी देख रही हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हम इतने जल्दी दूल्हा दुल्हन के गेटअप में आ जाएंगे। वो तो है संतु जी, बात तो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं आप संतु जी। चीते तो खुश नहीं है क्या? नहीं है। मतलब कि नहीं अलग बोले, हैं अलग बोले, तो इसका मतलब ये है कि हम खुश हैं संतु जी। नहीं, तो खुश नहीं लग रहा। लगी पड़ी है संतु जी, कैसे खुश लगेंगे हम? मतलब एक मरे हुए सन की पागल आशिक की आत्मा का रोल कर रहे हैं संतु जी, हम कैसे खुश हो जाए? हम क्या लगता है आपको, खुशी के मारे नगाड़ा बजाए हम? नहीं संतु जी, हमको डर लग रहा है ना संतु जी कि गलती से भी नंदुआ का आत्मा कहीं आ गया और हमारे अंदर घुस गया तो क्या होगा संतु जी, हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पहचाना नंदू, सबका बंधु, क्या बोला तू पागल सन की? हम नहीं करेंगे, हमको यकीन कभी नहीं करेंगे। मैं मजाक कर रही थी, शक्ल देखते थी। संतु जी ऐसा मजाक हमसे प्लीज दोबारा मत कीजिएगा। संतु जी क्या बात कर रही हैं आप, नंदुआ का आत्मा दिया ना हमें भी? आप हमको बिल्कुल नहीं डराए, बिल्कुल भी नहीं डरे। हम तैयार है ना तुम दोनों? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ लग तो रही हो, मगर एक कमी है। क्या? त्रिशा की साड़ी और गहने पहन लिए मगर उसका सिंदूर भी तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ। लो, लगाओ जल्दी। संतु जी हम लगा दें? कंट्रोल चीते कंट्रोल, शादी के लिए हाँ बोलिए लेकिन माइंड है, कभी भी चेंज हो सकता है। संतु जी ये लड़की भी बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है, ये संतु जी है ना? हाँ ये क्या कर रही है? अरे नंदू के भूत को बुला रही है ऐसी। हाँ मगर मैडम सर, ऐसे तैसे करके अगर सच में भूत आ गया तो वही तो हम करना चाहते हैं ना पुष्पा जी, भूत आएगा तभी तो हम उसे पकड़ेंगे ना। हाँ। सर प्लान क्या है इनका सर, ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं दीवान जी क्या कर रहे हैं, झक्के लोग हैं सब। कुछ टाइम पे क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस तरह से इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसी नौटंकी से ना बच्चे एंटरटेन होते हैं, केस सॉल्व नहीं होते। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे ये तो अपना कोई नहीं है, कोई है नहीं वहाँ। कौन है? नंदू किसी के सामने खड़ा हुआ है, उसके हाथों में चाकू है, सहरा बांधे हुआ है, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। ध्यान से देखिए ये सामने खड़ा है, मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे नंदू का भूत है, भूत वो सबको नहीं दिखाई देता, मैं उसको बोतल में बंद कर दूंगा, वश कर दूंगा। तेरी जान ले लूंगी मैं, और जान ही ले लूंगी तो तू रहेगा ही नहीं और झूठ भी नहीं बोलेगा, मार दूंगी मैं तुझे। संतु जी रामचीता चतुर्वेदी है, संतु जी क्या कर रही है आप? अरे ये निठल्ल रे, किसने इसको पुलिस में भर्ती किया? ये तो चीता है आपके खाने का आदमी, आप लोग ने बेवकूफ बनाया मुझे। संतु जी दुख राम को छोड़िए हमारा गला। संतु जी संतु छोड़ो छोड़ो नहीं ले लूंगी, संतु छोड़िए, मार दूंगी तुझे। संतोष शर्मा क्या हो गया? संतोष क्या कर रहे हो तुम? संतु जी सर संभालिए, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, मार दूंगी। संतु जी क्या कर रही हैं आप? संतु जी होश में आइए। संतु जी धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। पता नहीं पुष्पा जी मुझे उस वक्त क्या हो गया था, मैं जो भी बोल रही थी वो मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी इंसान ना भावनाओं में बह जाता है। हमको तो लगता है ना संतु
ये नंदू का भूत ही था जो तुमसे चिमट गया था। पुष्पा जी, मतलब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर दंतू का सूप हो सकता है तो नंदू का धूप क्यों नहीं हो सकता? क्या? नहीं नहीं, मतलब नंदू का भूत क्यों नहीं हो सकता? वो हम ऐसे आ रहे थे। नहीं नहीं, होता है मैडम, भूत होता है। हमारे गाँव पिपरा जिला आजमगढ़ में एक सरकटा भूत था, उसके सर ही नहीं था। वो रात के अंधेरे में माचिस मांगता था बीड़ी जलाने के लिए। अरे पगला, अरे जब भूत का सर कटा हुआ है तो बीड़ी कैसे पिएगा? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, कैसे पी? हाँ छोड़ो, जाने दो, भूतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। चुप रहो तुम दोनों। संतोष एक बात बताओ, जब तुम चीते पर हमला कर रही थी तब तुम जानती थी ना कि वो चीता ही है? पता था मुझे मैडम सर, मुझे पता था कि मैं उसका गला दबा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं रोक पाई। हाँ बात तो है, मतलब निठल्ले के साथ तुम्हारी शादी हो गई होती तो ये गला दबाना लाजमी होता, लेकिन शादी नहीं हुई है उसके बावजूद गला दबाना, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा एक बात बताओ, तुम उससे बीच बीच में तुम उसे कह रही थी कि मैं जानती हूँ तू मुझे धोखा देगा, वो क्या था? मैडम सर नहीं पता मुझे मैं वो क्यों कह रही थी, लेकिन हाँ मेरे अंदर वो डर है। मैंने बहुत किस्से सुने ऐसे चीटिंग वीटिंग के, तो वो इंटरनल फियर है जो उस वक्त बाहर आ गया। हे भगवान, कौन सा केस आ गया है थाने में? आज तक इतना उलझा हुआ केस कभी नहीं आया। मैडम सर आपने कुछ सोचा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ? अभी तक तो हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हर सवाल का जवाब तो होता ही है, मिलेगा कुछ ना कुछ, सोचते हैं। अब कौन सी नई प्लानिंग चल रही है मुझे जख्मी करने की? मिस्टर अमर, कल जो हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हमें इल्हाम नहीं था। क्या नहीं था? इल्हाम, इल्हाम उर्दू है। पता है सर, मतलब पूछ रहे हैं। हम में से किसी को ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ तक संतोष को भी खुद नहीं पता था कि वो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ आप ही ने करवाया जानबूझकर, तो आप हम पर शक कर रहे हैं? नहीं, यकीन के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसी खुराफात तो आप ही की हो सकती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस थाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आज तो आपने सिर्फ मेरा हाथ कटवाया, कल को मेरी हड्डी पसली कुछ भी तोड़वा सकती हैं। सारी प्लानिंग समझ रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा क्या है जी? आप यही चाहती हैं ना कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा रहूँ और आप थाने में आने वाले हर केस को सॉल्व करती जाएं और लास्ट में इस थाने पर अपना कब्जा जमा कर बैठ जाएं? अरे इस आदमी के दिल में कितना जहर भरा हुआ है। ऐसा आपको लगता है सीना जी? और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। आप प्लीज सुबह सुबह ना हमसे बहस मत कीजिए, जाइए अपना काम करिए, कॉम्पिटिशन जीतना है ना आपको, जाइए। आप हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है, आप अपना काम कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप जाओ। बचाओ 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 बचाओ, चलो चलो चलो, बचाओ बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, जाओ जाओ, मार डालेगा। त्रिशा त्रिशा रिलैक्स, आराम से आराम से, वो मुझे मार डालेगा, नंदू मुझे मार डालेगा। क्या हो गया अचानक? सुबह तक तो ठीक थी, अभी थोड़ी देर पहले नहाई वही तैयार हो गई, अब देखो फिर से ऐसा कुछ। कुछ सोचा है हमने, एक प्लान है हमारे दिमाग में, देखते हैं क्या होता है। हम अभी है। चाय पी रहा है कि मुंह से सहनाई बजा रहा है? रख इधर, रख, निकल इधर से, निकल। कैसा कैसा आदमी बुला लेते हो यार दुकान पर है? इतना तेज चिल्ला रहा है, चाय पी रहा है कि चिल्ला रहा है मुंह से? चीते संतोष, मुझे देख के भाग रहा है तू? सुबह थाने में भी नहीं आया, अवॉइड कर रहा है? नहीं ऐसा। हाँ एक सेकंड, हकला क्यों रहा है? चीते, पागल हो गया क्या? जरा तो नहीं लगी? बैठ। आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया चीते, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दें। ठीक है। छी, स्माइल करके बोल, अच्छे से बोल। ठीक है, कर दिए माफ, कर दिया। चल कहाँ लगे? बाप रे संतु जी, आपको किसी बढ़िया पंडित या ओझा से दिखवाना पड़ेगा, अब चल। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। मैडम सर ने थाने में बुलाया है पता करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और करिश्मा मैडम को भी भेजा गया। कहाँ भेजी है? अब वो मैडम सर ही बताएंगी। चल संतु जी, संतु जी चल।
हमने भी त्रिशा की साड़ी पहनी है, उसका मेकअप लगाया है, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक सब कुछ तो यूज कर रहे हैं, फिर भी अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा, तो फिर त्रिशा को क्या हो जाता है, संतोष को क्या हुआ था, ये सब हो क्या रहा है? May I come in? आइए। अरे मैंने तो पहचाना नहीं आपको, एकदम अलग लग रही हैं। नहीं मतलब कभी साड़ी में देखा नहीं ना आपको ऐसे, तो क्या काम है? नहीं आप जिस स्टाइल से नीचे बोलकर आई थी कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, तो मुझे लगा कि बहुत ही रॉकेट आइडिया होगा आपके पास, पर यहाँ तो फैशन की तैयारी चल रही है। हमारी जासूसी करने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? आप प्लीज जाइए यहाँ से। वैसे अपना प्लान तो बता दीजिए, कुछ तो बताइए क्या प्लानिंग चल रही थी आपके दिमाग में। ओके लेट मी गेस, आप ये सब कुछ पहनकर ये ऑब्जर्व कर रही थी कि अचानक इन सबसे संतोष शर्मा को क्या हो गया, अचानक इतनी वायलेंट कैसे हो गई वो, राइट? अच्छा है, अच्छी प्लानिंग है, बट कंस्ट्रक्शन में ना थोड़ी सी कमी रह गई। क्या? ये सिंदूर? त्रिशा का सिंदूर नहीं लगाया आपने? अरे मेरे ख्याल से ना तैयारी हो तो पूरी हो, ये लीजिए लगा लीजिए। अरे नहीं हमने कहा ना कोई लगा लीजिए, कुछ अरे नहीं मना किया ना आपको। क्या कर रही हैं सीना जी, पागल वागल हो गई हैं क्या आप? अरे हम पागल हो गए आप पागल हो गए, आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करते हैं, अभी लग जाता हमें सिंदूर तो। नहीं वन सेकेंड, शादीशुदा मैं? तो शादीशुदा नहीं है तो क्या 8 साल का बच्चा आप मेले से जीत कर आए थे क्या कंपटीशन में? देखिए हमने ना बहुत तरीके के अजीब अजीब इंसान देखे, लेकिन सच बता रहे आपके जितना बेशरम इंसान हमने आज तक नहीं देखा। आप यहीं रहिए, हम जा रहे हैं यहां से, बात ही नहीं करनी है हमें आपसे। दीदी बिग बॉस आप कब आई यहाँ? मैं कब आई ये छोड़, पर तू कब आगे निकलेगा इन औरतों से ये तो बोल। मतलब हद ही हो गई, सारी जिंदगी ऐसे औरतों से जलील ही होता रहेगा, घर पर तू हमेशा हमसे हारता था और यहाँ पर इन औरतों से हार रहा है। एक्चुअली ना तू लूजर था और हमेशा लूजर ही रहेगा। आप सही कह रही हैं दीदी, मैं हमेशा से औरतों से हारता ही आया हूँ, अभी भी हारूंगा, ये थाना भी हार जाऊंगा, आई एम अ लूजर। अरे अमर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए ना प्लीज। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। मैडम सर आपका वो केमिस्ट्री टीचर से बात हुआ था, उन्होंने कोई केमिकल का नाम बताया था ना, वो हम भूल रहे हैं, जिसकी खुशबू को सूंघने से वो दिमाग पे एकदम प्रभावित करता है और उसके प्रभाव से जो है वो मति भ्रम हो जाता है इंसान का। हेलुसिनेशंस? जी 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 वही हेलुसिनेशन। त्रिशा का सिंदूर नहीं लगाया आपने, ये लीजिए लगा लीजिए। अरे नहीं हमने कहा ना कोई जरूरत नहीं, लगा लीजिए कुछ। अरे मना किया ना आपको।